बाय वन गेट वन फ्री तो आपने सुना ही होगा। देखिए, और ये वाली स्कीम ना सबको पसंद आती है इस वजह से, नहीं नॉट फॉर दिस वजह, बट देन एवरी मंडे आई एम गोइंग टू पिक अ टीम ऑफ द वीक, जिसके अंदर जो हफ्ता बीत गया ना वो बीत गया लेकिन बात नहीं गई, उसमें से आई एम गोइंग टू पिक अ टीम जिसमें मैं चार ओवरसीज प्लेयर से ज्यादा पिक नहीं करूंगा, सारी टीम की परफॉर्मेंसेज में थोड़ा ध्यान दिया जाएगा एंड आई एम गोइंग टू पिक द टीम ऑफ द वीक एवरी वीक, ऑफकोर्स ऑन मंडे एट नून आई विल बी रिवीलिंग माई टीम भी पिछले हफ्ते में क्या हुआ, और हर हफ्ते चेंज होती जाएगी और फिर इवेंचुअली विल सी द लीडर बोर्ड कि कौन कितनी बार फीचर हुआ है, दैट इज हाउ विल मेक द टीम ऑफ द सीजन, मजा आएगा। टीम ऑफ द वीक का हमारे इस नए एकदम ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी में आपका स्वागत है, और उम्मीद यही है कि आप टेलीग्राम पे होंगे तो ऑलरेडी मेंबर अपना वहाँ ज्वाइन कर चुके होंगे और मेंबर भी आप बनने वाले होंगे क्योंकि अब्दुल समाद इज गोना कम वेरी सून, सो देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग देयर। कुलदीप यादव ऑलरेडी आ गए, जी हाँ जी, बात कर रहे हैं, देख लो अपना पेविलियन पे, बट नाउ लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द टीम। और चार ओवरसीज से ज़्यादा मैं प्लेयर्स नहीं पिक कर सकता हूँ, बट इन माई टीम आई हैव नॉट पिक्ड फोर, आई हैव ओनली पिक्ड थ्री। इंटरेस्टिंग, मैंने तीन पिक किए, आई मीन दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। आप जरूर अपनी टीम बनाइएगा कि जो पिछले तीन मुकाबले, क्योंकि ये वाला हफ्ता कुछ ऐसे ही था ना, तीन ही तो मुकाबले हुए, एक टीम तो अभी मतलब दो टीम तो खेली नहीं है, पंजाब और राजस्थान के अभी मुकाबले हुआ नहीं है एट द टाइम ऑफ ऑब्वियसली डूइंग दिस। सो दो ओपनर्स मुझे पिक करने थे, मैंने दोनों दिल्ली के कर लिया, आई मीन राणा जी उसके अंदर लिस्ट में शामिल हो सकते थे, क्रिस लिन भी मेरे से पूछ रहे थे, बट बतौर ओपनर ना मैंने पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को पिक किया। शिखी बॉय और पृथ्वी शॉ दोनों ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी रची, दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और दोनों की बैटिंग देख के मुझे बहुत मजा आया, लेफ्ट राइट इज एब्सोल्युटली राइट, तो इन दोनों को मैंने टीम में पिक कर लिया अपनी, आप भी पिक करेंगे, हालांकि टॉप ऑर्डर में और भी विकल्प आपके पास मौजूद है, सो दैट इज अनदर थिंग दैट यू मे वॉन्ट टू कंसिडर। मैंने तीन नंबर पर ना रैना को पिक किया, मतलब रैना और राणा में से किसी को भी आप कर सकते हो, मतलब राणा कर लो, राणा कर लो, क्योंकि राणा ने तो फिर भी ओपन की थी, रैना तो चार पे आए थे, तो मैं राणा को तीन नंबर पे रख लेता हूँ। तो नीतीश राणा की जबरदस्त 80 रन की पारी के लिए उनको मैंने अपनी टीम में जगह दिया एट नंबर थ्री। तो नंबर थ्री पे वो है कोहली, नहीं है ओपनर भाई, अपने बड़ी स्ट्रिक्ट टीम बनाते हैं हम, तो मैंने राणा जी को इस टीम में जगह दी है, तो मेरे टॉप तीन में से दो तो लेफ्ट हैंडर है और मैं फिर एक और लेफ्ट हैंडर को पिक कर रहा हूँ। एट फोर आई पिक्ड सुरेश रैना, और रैना की वापसी हो चुकी है और रैना ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड, और स्पिन के खिलाफ अच्छा खेल रहे हैं, और जब नंबर चार पे खेलेंगे तो ज़्यादा स्पिन खेलनी पड़ेगी, तो स्पिन पे तो छक्के मार रहे हैं यार, जो पुराना वाला रैना ना वैसी नजर आ रहे हैं, तो मेरी हो गए नंबर चार पर। सो आई हैव गॉट पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, नीतीश राणा एंड सुरेश रैना, तो ये हो गए मेरे चार, चार में से तीन लेफ्ट हैंडर्स। और अब आते हैं जी एबी डिविलियर्स, अद्भुत डिविलियर्स, खूब करते हैं पिटाई, इनका नाम इस टीम में है बिल्कुल शामिल, हालांकि छोटी पारी थी, ऐसा नहीं कि 80 बनाए थे, पर इतनी नीचे बैटिंग करने आते हैं तो फिर इतने रन तो नहीं बनेंगे ना। देखो यहाँ पर मेरा मन तो बहुत कर रहा था कि जॉनी बेस्टो के बारे में भी सोचूं, क्योंकि बेस्टो ने भी रन बनाया, पांडे जी ने भी रन बनाया, पर ना, आई एम नॉट गोइंग विद देम, आई एम गोइंग विद एबी डिविलियर्स एट फाइव एंड देन एट सिक्स, हालांकि सिक्स इज टू लो, अगर आप सोचें कि यार इस नंबर पे तो बैटिंग करता नहीं है खिलाड़ी, बैटिंग तो ओपन कर रहा था, मतलब तीन नंबर पे किया है, आई पिक राहुल त्रिपाठी इन माय साइड, तो बैटिंग ऑर्डर ना अपने आप सेट कर लेना, ऊपर नीचे जिसको भेजना हो भेज लेना, पर मेरी टीम के अंदर पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, नितेश राणा, सुरेश रैना, एबी डिविलियर्स एंड राहुल त्रिपाठी चलाते हैं लाठी, बड़ा मजा आता है, तो इनको मैंने अपने टॉप छः में रखा है। अब इसमें सिर्फ एक समस्या है कि मेरे पास ना टॉप छः में कोई बॉलिंग नहीं करता, और रैना ने अभी तक बॉलिंग की नहीं है, तो हम नहीं मान रहे कि उनको बॉलिंग कर रहे हैं वो, सो दैट इज 50-50, आई एम नॉट 100% विद दैट। देन मैंने दोनों अफगान स्पिनर्स को पिक कर लिया है, मैंने मोहम्मद नबी को पिक किया है, मैंने राशिद खान को पिक कर लिया, मैंने दोनों स्पिनर्स को पिक कर लिया, राशिद खान और नबी दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और दोनों बॉलिंग अच्छी करते हैं, एक एक मैच ही खेले हैं, ऑफकोर्स दोनों ने दो दो विकेट भी पिक किए हैं, तो दो विकेट लेने वाला मिड लोअर्स में, इनफैक्ट ओवर नंबर 17 और ओवर नंबर 18 भी डाला है उन्होंने, तो ये वो काम भी कर लेते हैं, सेट बैट्समैन को आउट करते हैं, रिस्ट्रिक्टिव भी है, इकोनॉमिकल भी है, विकेट टेकर भी है, तो मेरी टीम में दोनों अफगान स्पिनर्स हैं, मोहम्मद नबी एंड राशिद खान। आई एम मिसिंग समवन, शाकिब के बारे में भी सोच सकता था, नॉट टू मैनी एक्चुअली, मैं मोइन अली को भी नहीं सोच रहा हूँ, यूजी चहल केम टू माई माइंड, बट देन आई एम गोइंग विद दिस, दैट्स माई थॉट, कृणाल पंड्या, राहुल चार, नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विद माई चॉइस द टू अफगान स्पिनर्स। देन आई हैव पिक्ड थ्री इंडियन पेसर्स, बड़ी अच्छी है मेरे हिसाब से, जो पहला हफ्ता गया ना, जो तीन मैचेस गए, इसमें एक बड़ी अच्छा थ्रेड था, पहले मैच में हर्षल पटेल 5 विकेट, प्लीज इन माई साइड एफ पिक डिविलियर्स, बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, उसके बाद मैंने आवेश खान को पिक किया जिन्होंने फैफ डुप्लेसी और महेंद्र सिंह धोनी को आउट किया,
तीखी बॉलिंग कर रहे थे, तेज कर रहे थे और नई बॉल से भी पुरानी बॉल से भी दोनों जगह इन्होंने अच्छा काम किया। और फैफ डुप्लेसी और महेंद्र सिंह धोनी यार फॉर्मर इंटरनेशनल कैप्टन्स को आप आउट कर रहे हो, तो आवेश खान आप मेरी टीम में हैं, बिल्कुल हैं, दुरुस्त हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव पिक्ड हर्षल पटेल, नहीं हर्षल पटेल द्वारा पिक कर लिया, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दो विकेट ली और दोनों अच्छी विकेट थी, एक तो उन्होंने वार्नर को ऐसे करके खोल दिया और उसके बाद स्लोअर वन डाल के नबी को भी उन्होंने आउट किया। तो मेरी टीम में सिर्फ तीन ही ओवरसीज प्लेयर्स है, एबी डिविलियर्स, नबी राशिद, आई वाज थिंकिंग ऑफ सैम करन, उनका प्रदर्शन भी अच्छा था ऑलराउंडर के रूप में, उनको सोच रहा हूँ। और पैट कमिंस बोल्ड ऑल राइट, आंद्रे रसेल ने डेथ में अच्छी बॉलिंग की थी, दिनेश कार्तिक, अब्दुल समद दोनों ने भी अच्छा काम किया था, पर दिस इज माई साइड यार। आई एम ग्लेन मैक्सवेल के बारे में भी सोचा मैंने एक्चुअली कि नीचे बैटिंग करानी है, क्या त्रिपाठी जगह उनको पिक कर सकता हूँ, बट क्यों करूँ भाई, त्रिपाठी ने 3 रन बनाए, मेरी टीम है, मैं रख रहा हूँ त्रिपाठी को, मैं कहता हूँ कि उनको ऊपर नीचे मत करो ज़्यादा, बट देन टीम से ड्रॉप नहीं करूँगा कि जस्ट बिकॉज उनको आउट ऑफ पोजिशन बैटिंग करनी पड़ेगी, त्रिपाठी की लाठी हर जगह चलती है। तो फिर त्रिपाठी साहब आप मेरी टीम में, राहुल जो है वो IPL में अच्छा करते हैं, तो ये राहुल मैंने पिक कर लिया है। सो दैट्स अबाउट इट, आप भी अपनी टीम बनाइए और इस हफ्ते फिर मंडे से संडे तक फ्रीडम टीम बनाएंगे, बहुत सारे मैचेस होंगे तो डबल हेडर्स भी आएंगे और वही करना है, 4 ही ओवरसीज प्लेयर्स रख सकते हो और कोशिश करेंगे इसके बाद कि जो सही जगह पर जो बैटिंग करता हो। अभी तो मैंने थोड़ा सा रैंडम पिक कर लिया इसलिए क्योंकि मैच ही 3 हुए थे सिर्फ, पर ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक हम पिक करेंगे वो वाले प्लेयर्स जो जहाँ पर बैटिंग करते हैं। टफ चॉइस हो सकती है कि भाई ओपनर ही पिक करना है या फिर नंबर 5 पे, मतलब नंबर 6 पे आप त्रिपाठी को नहीं पिक कर पाऊंगा मैं अगले हफ्ते, इस हफ्ते कर सकता था, अगले हफ्ते विल टॉक अबाउट इट मोर, पर अभी के लिए ये है मेरी टीम ऑफ द वीक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो ज्वाइन नाउ का बटन है, अपना पवेलियन का मेंबर भी बन जाओ यार।